नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में और मेरे अपने चैनल SS गो ग्रीन में। तो जैसा आप सभी जानते हो, मैं पेड़ पौधों से संबंधित कार्य करता हूं और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन बीच में ये जगह जो है ये कनामली पुल या वसुंधरा है। और इससे पहले आप मेरी वीडियो में ग्रीन बेल्ट सेक्टर 1 वसुंधरा को ज़्यादा देखते थे, क्योंकि वो जगह जो थी थोड़ी सी क्या थी कि वहाँ पे फेंसिंग नहीं हो रखी है, तो वहाँ पे गाय भैंस और दूसरे पशु का आना जाना लगा रहता था। तो वहाँ पे क्या है, मैंने कंच पापड़ी और अमलतास कचनार आदि के पेड़ लगाए हैं, क्योंकि वहाँ पे ये वाले जो पेड़ होते हैं ये गाय भैंस बकरी नहीं खाती हैं। लेकिन जहाँ पे मैं अब खड़ा हुआ हूँ, ये कनावली पुलिया वसुंधरा है और यहाँ पे काफ़ी जगह है, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें फेंसिंग हो रखी है, तो आवारा पशु और हमारी गाय वाय आने का कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फलदार वृक्ष लगाऊंगा, कौन से वृक्ष लगाऊंगा ये आपको वीडियो पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले गड्ढे कर लूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट और मतलब करके आऊंगा या शाम को आऊंगा तो उनमें पौधे लगा दूंगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, चलते हैं अपनी वीडियो में। ये देखिए, ये फेंसिंग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हो रखी है, ग्रिल लोहे की ग्रिलों से हो रखी है दोनों तरफ। ये देखिए उधर भी, और ये रोड के बीच में है, करीब काफी बड़ा क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे अभी बहुत जगह है, तो यहाँ पे मैं फलदार वृक्ष लगाऊंगा जो पंछियों को बहुत पसंद होते हैं, और वो अपने यहाँ पे घोंसला बनाएंगी और वे बड़े हो जाएंगे तो उनमें फल लगेंगे तो वो उन्हें खाएंगी और मुझे कहीं ना कहीं इसका पुण्य फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, जैसे बेल पत्थर हुआ, नीम हुआ और पीपल हुआ, लेकिन कुछ पेड़ जैसे नगर निगम ने जो है ना सफेदा के लगा दिए। ये देख रहे हो, ये सबसे बेकार पेड़ होता है, ये धरती की नमी को सोख लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे लगाते हैं, लेकिन लगा दिए हैं तो इनको काटना भी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे करीब 10 पेड़ ऐसे लगे हुए हैं, तो कोई नहीं, हमें तो अपना फलदार वृक्ष लगाने हैं। तो मैं जब सबसे पहले मैं गड्ढे कर लूँ, और आज का जो मैं औजार लाया हूँ ये सब्बल है गड्ढा खोदने के लिए, और ये कलछी है मिट्टी निकालने के लिए। तो इनसे ही मैं पहले गड्ढा कर लूँ, तो इनसे ही आराम से काम हो जाएगा, ज़्यादा मुझे औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे ये जगह देखनी है जहाँ पर पेड़ सूखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पेड़ सूखा हुआ है, एक गड्ढा यहाँ करूँगा, और देखिए यहाँ भी पेड़ सूखा हुआ है, तो बहुत सी जगह है। देखिए यहाँ जो पहले पेड़ लगाया था ना, उसकी मुझे लगता है नगर निगम वालों या किसी ने जिसने भी लगाया था इसकी पॉलिथीन नहीं निकाली थी, इसलिए ये पेड़ मर गया। नहीं तो इसको सही ढंग से, देखो कोई भी कार्य जो है ना सही ढंग से करना बहुत जरूरी है, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन सही ढंग से करो। उन्होंने क्या करा कि जल्दी जल्दी में पॉलिथीन के साथ ही लगा दिया, तो ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मेहनत भी करी आपने और वो जीवित भी नहीं रह पाया। इसलिए कभी भी कोई कार्य करो तसल्ली पूर्वक करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय आपका है। साथियों, जैसे मैं सुबह गड्ढा करके चला गया था और अब मैं ब्रेकफास्ट करके वापस आ गया हूँ, और बारिश की भी फुहारें आने लगी हैं, इसलिए मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरा मोबाइल ना भीग जाए और मेरा माइक ना भीग जाए, इसलिए इन दोनों को मैं अब पॉलिथीन में बांध के रख दे रहा हूँ। और मैं कौन कौन से फल वाले वृक्ष लगा रहा हूँ वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इमली की पौध, इमली के पेड़ की पौध तैयार की थी, और इसे करीब एक साल हो गया है, अब ये समय आ गया है कि इसको मैं कहीं रोपित कर दूं। तो ये मैंने एक उसमें दो पेड़ लगा रखे हैं, तो एज इट इज मैं लगा दूंगा इसे तोड़ के। और ये देखिए, ये भी इमली का पेड़ है और इसकी जड़ें देखिए कितनी बाहर आ गई हैं, तो ये अब लगाने का समय आ गया है, अगर मैं इसे अब नहीं लगाऊंगा तो ये सूख जाएगा।
तो ये दो एक गड्ढे में मैं ये वाला लगा दूंगा, एक गड्ढे में मैं ये वाला लगा दूंगा, ये देखिए। और ये देखिए ये जंग जलेबी का है, ये आपने पेड़ बहुत कम दिखाई देता है, ये जंग जलेबी है और इसे चिड़िया बहुत स्वाद से खाती हैं, इमली को भी बहुत स्वाद से खाती हैं। तो ये दो पेड़ मेरे जंग जलेबी के हैं, करीब दो दो फुट के हैं, तो इनको भी लगाऊंगा। और ये देखिए ये जो है शहतूत की पौध तैयार की थी मैंने, तो इनको करीब दो तीन महीने पहले लगाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं लगा पाया, तो इनकी जड़ें देखो बाहर तक निकल के आ गई हैं। तो ये जो है करीब 25 पेड़ हैं, तो ये मैं दो दो तीन तीन एक साथ लगाऊंगा। तो अब मैं तैयारी करता हूँ लगाने की, जैसा मैंने गड्ढा तो कर ही दिया था, तो अब मैं खाली खुरपी लाया हूँ इस कार्य के लिए, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वाले गड्ढे में मैं जो है ये इमली का दो पेड़ लगा दे रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया है। और मैं इसके साथ मैं एक शहतूत का पेड़ भी लगा दे रहा हूँ, इसकी जड़ें बारिश का मौसम में हो जाएंगी, ये कोई वो नहीं है, बारिश की फुहारें बढ़ने लगी हैं, मतलब ज्यादा हो रही हैं। तो अब मैं जो है ना मोबाइल को और अपने माइक को रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसको बाद मैं भीगते भीगते भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मोबाइल और मेरा जो माइक है ये टेक्निकल वो वाली चीजें हैं, तो ये खराब हो गए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब ये जो सारे पौधे हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने घर में ही तैयार किए हैं, ये घर में ही मैंने पौध तैयार करी है और मैंने एक पैसा नहीं लगाया इसमें, खाली मेरी मेहनत लगी है, ओनली मैंने अपनी मेहनत करी है। और बारिश का हो जाएगा मौसम तो शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल रख देता हूँ पहले। ये जंग जलेबी है, साथ में शहतूत भी है, ये भी जंग जलेबी है, साथ में शहतूत भी है, और ये देखिए इमली है, साथ में शहतूत भी है। इसी तरह मैंने कम से खूब सारे पेड़ लगा दिए हैं। साथियों आशा है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो, जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नई उमंग नई तरंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।